हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, सेफ होंगे। तो आज की जो टिफ़िन बॉक्स रेसिपी है बहुत ही सिंपल और इजी है, बट हेल्दी भी है। तो सभी मॉम्स प्लीज़ आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, देखिएगा आपके बच्चों को बहुत पसंद आने वाली है और आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो चलिए अब हम बनाते हैं। तो फर्स्ट रेसिपी आती है इडली की। तो यहाँ पे मैंने एक कप मैंने यहाँ पे सूजी लिया था, जिसको कि अभी मैं दही के साथ बहुत ही अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। तो ठीक है, अभी आप देखिए इसको आपको अच्छे से मिक्स करना है, एकदम भी लंप फ्री होना चाहिए। तो अब हम क्या करते हैं कि जो इडली का साँचा होता है ना, उसमें एकदम से तेल को अच्छे से कोट करते हैं। और अब देखिए करीबन 10 मिनट भी हो चुके हैं जिसको सूजी को, तो अब मैंने इसमें डाल दिया है नमक। उसी के साथ अब मैं इसमें डालूँगी इनो। इनो डालने के बाद आपको इसको थोड़ी देर फेंटना है। फेंटने के बाद आप इसको अब जो इडली के जो साँचा है उसमें आप उसको पोर कर सकते हैं। और जी हाँ, मैं आपको और एक चीज़ बता दूँ कि साइड बाय साइड आपको क्या करना है कि इडली का जो पानी जो आप है ना उसको आप बॉईल करने रख दीजिए, ताकि इस प्रोसेस के साथ साथ वो और एक चीज़ भी होती रहे। और ये मॉर्निंग में सबसे झटपट से बनने वाली रेसिपी है, आप ज़रूर अपने बच्चों को ज़रूर दीजिएगा, देखिएगा उनको बहुत पसंद आएगी। तो उसी के साथ अब आप देखिए मैंने इडली को भी रख दिया है, एंड विद इन 3 मिनट्स देखिए इडली भी बन के तैयार होगी। तो देखिए अभी मैंने आपको नाइफ़ पर डाल के दिखाया, एकदम से भी इडली बिल्कुल भी चिपकी नहीं है, एकदम अच्छी है। तो अब आप देखिए इडली बन के तैयार है। तो मैंने इसको टिफ़िन में सर्व कर रही हूँ, और उसी के साथ मैंने सर्व किया है नारियल की चटनी, जो कि खाने में बहुत ही अच्छी लगेगी। चलिए अब हम नेक्स्ट रेसिपी की तरफ चलते हैं, वो है वर्मसिली पुलाव। यहाँ पे मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा बटर डाला है, उसको अब थोड़ा सा गर्म होने देते हैं। अब हम इसमें डालते हैं कैप्सिकम, जिसको कि मैंने अच्छे से चॉप कर लिया था, कि इसको आपको थोड़ा सी देर थोड़ा सा इसको चलाते रहना है। उसी के बाद अब मैं इसमें डाल दूँगी पत्ता गोभी और थोड़े से चॉप किए टमाटो। तो आप अब देखिए इसको आपको डाल के इसको अच्छी तरह से मिलाते रहना है। और ये देखिए एकदम से मतलब आप अपने बच्चों को दीजिएगा, ये बहुत ही हेल्दी हेल्दी रेसिपी है। और उसी के साथ बट और एक चीज़ में मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। और यहाँ पे देखिए मैंने वर्मसिली लिया था, जिसको कि मैंने अच्छे से बॉईल कर दिया था। बॉईल करने के बाद अब आप देखिए इसमें अब मैं ऐड कर रही हूँ बॉईल्ड कॉर्न। तो देखिए अब इसको आपको अच्छे से मिलाते रहना है। और इसी के साथ अब मैं यहाँ पे डाल दे रही हूँ थोड़े से गरम मसाले और थोड़े से नमक। तो नमक यहाँ आप अपने स्वाद अनुसार ऐड कर सकते हैं। तो देखिए अब आप इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए, फिर ठंडे होने के बाद आप इसको सर्व कीजिएगा टिफ़िन बॉक्स पे। तो देखिएगा बच्चे जब तक खाएंगे ना, तो इसका स्वाद तो लाजवाब होने वाला है, ट्रस्ट मी गाइस। तो देखिए अब ये ठंडे भी हो चुके हैं, तो अब मैं इसको डाल दे रही हूँ टिफ़िन बॉक्स में, जिसके साथ मैंने सर्व किया था मखाने, जो कि खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं और हेल्दी भी होते हैं बच्चों के लिए। तो चलिए अब हम नेक्स्ट रेसिपी की तरफ चलते हैं, वो है आपका अप्पा। ठीक है, अप्पे जो होते हैं ना वो बहुत ही हेल्दी होते हैं। और उसी के साथ साथ आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि ये बहुत ही झटपट से बनने वाली रेसिपी है। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे मैंने 1.5 कप सूजी लिया था, जिसको कि मैंने अच्छे से अभी दही में इसको मिक्स कर रही हूँ। और इसको आपको जस्ट फॉर द 10 मिनट्स आपको इसको रेस्ट में रखना है। तो अभी एकदम से इसमें देखिए एक चीज़ याद रखिएगा कि आपको इसको लंप फ्री बनाना है, इसमें लंप बिल्कुल भी नहीं रहनी चाहिए। तो अब मैं इसमें डाल दे रही हूँ 1 चम्मच नमक, आप अपने स्वाद के अनुसार यहाँ पे नमक मिला सकते हैं। और उसी के साथ अब मैं डाल दे रही हूँ इसमें थोड़ा सा इनो, जो कि इसको थोड़ा सा पिगमेंटेड करेगा और जो अप्पे हम बनाएंगे उसको बहुत ही सॉफ्ट बनाएगा। तो अब मैं इसमें डाल दे रही हूँ सब सब्जियाँ,
जैसे कि यहाँ बच्चे खाना पसंद नहीं करते हैं, तो आप इस तरीके से उनको खिलाइए, देखिएगा वो सारे के सारे वेजिटेबल यहाँ पे डाल खाएंगे। तो उसी के साथ अब मैं यहाँ पे अप्पे का जो साँचा होता है उसको मैं अच्छे से ग्रीस कर रही हूँ घी से, क्योंकि घी भी बहुत ही हेल्दी होता है हमारे बच्चों के लिए। तो इसमें मैंने वेजिटेबल्स ऐड किए थे, कैप्सिकम, पत्ता गोभी, गाजर थोड़े से, और इसमें बीन्स भी ऐड किए थे। आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी ऐड ऑन कर सकते हैं। तो देखिए अप्पे अब बन के तैयार है। तो अब इसको हम गैस फ्लेम पे रखते हैं, गैस का फ्लेम एकदम से मीडियम रखिएगा। तो देखिए एक साइड से अप्पे बन चुके हैं और देखिए कितने सॉफ्टली वो एकदम से टर्न भी हो जा रहे हैं। तो प्लीज़ आप भी ऐसे बनाइएगा और बहुत ही झटपट बनने वाली रेसिपी है। तो देखिए अब एकदम से बन के तैयार है। तो चलिए अब हम इसको टिफिन में सर्व करते हैं। तो कितने प्यारे लग रहे हैं, क्यों आपके मुंह में भी आ रहा है ना पानी। तो जी हाँ, खाने में बहुत ही लाजवाब था और मेरा बच्चा तो इसको खा के बोला, मम्मा फिर से मेरे को यही टिफिन चाहिए। उसके साथ मैंने सर्व किया था नारियल की चटनी। तो अब हम नेक्स्ट रेसिपी की तरफ चलते हैं, वो है सभी बच्चों के फेवरेट, वो है मैक्रोनी। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा बटर डाला, अब मैं उसमें डाल दूँगी थोड़ा सा कैप्सिकम, ठीक है। तो अब आप इसमें थोड़ा सा कैप्सिकम ऐड कर दीजिए। कैप्सिकम के साथ आप इसमें चाहो तो बीन्स ऐड कर सकते हो, बट मैंने इसमें कैप्सिकम, कैबेज, टमाटो ही ऐड किया है। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप अपने बच्चों पे कभी भी एक्सपेरिमेंट मत कीजिए, स्पेशली स्कूल टिफ़िन को लेके, क्योंकि देखिए स्कूल जितना भी हो, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बता रही हूँ, एज ए टीचर और एज ए मदर आप मेरा बात आप समझ सकते हैं। क्योंकि देखिए बच्चे क्या होता है ना, अगर आप उनके मनपसंद का टिफ़िन में देंगे तो उनको टिफ़िन खाने के बाद जो पीरियड्स चालू होते हैं, जो क्लासेस रहते हैं, तो उनको उसमें मज़ा भी आएगा। अगर हम उनके पसंद का कुछ देंगे ही नहीं तो उनको मज़ा कहाँ से आएगा, है ना। तो इसलिए आप भी ट्राई कीजिए कि बच्चों को उनकी मनपसंद का खाना दे, जो कि मैं अपने बच्चे को देती हूँ, ताकि वो भी खुशी खुशी वो खा लें। उसी के साथ देखिए अब मैंने यहाँ पर क्या किया था, बॉयल्ड मैक्रोनी जो होता है वो मैंने ऐड किया। उसी के साथ मैंने ऐड किया यहाँ पे मेयोनीज़। मेयोनीज़ जो होगा ना बहुत ही क्रीमी स्ट्रक्चर देगा उसको। तो इसको आप एक अच्छा सा मिक्स दीजिए एंड ट्रस्ट मी गाइस, देखिएगा ये बच्चों को बहुत पसंद आएगी, बहुत ही ज़्यादा। तो अभी आप इसको अच्छे से मिला दीजिए। उसी के साथ अब हम यहाँ पे थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करते हैं। आप चाहो तो आप इसमें यहाँ पे मैजिक मैगी मसाला यूज़ कर सकते हो, बट मैंने यहाँ पे सिर्फ गरम मसाला यूज़ किया है। उसी के साथ जस्ट थोड़ा सा नमक वहाँ पे डाला है, अपने स्वाद अनुसार आप ऐड कर सकते हैं। तो इसको एक अच्छा सा मिक्स दीजिए और ठंडे होने के बाद आप इसको टिफ़िन बॉक्स में सर्व कीजिए। कॉर्न मैक्रोनी बहुत ही टेस्टी लगती है, ट्रस्ट मी गाइस। उसी के साथ मैंने इसको सर्व किया था कुकीज़ के साथ, जो कि बहुत अच्छा लगा बच्चे को, मेरे बच्चे को तो बहुत पसंद आया। उसने बोला, मम्मा आप ये टिफ़िन मेरे को रिपीट कीजिए, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स भी इसको बहुत पसंद करते हैं। तो नेक्स्ट अब हम आते हैं, बहुत ही अच्छी एक रेसिपी है, वो है सेज़वान इडली, जिसको कि मैंने कढ़ाई में लिया था, घी में डाल दिया मैंने इडली में डाल दिया मैंने सेज़वान चटनी। उसको आप थोड़ा सा एक अच्छा सा मिक्स दीजिए। मिक्स देने के बाद आप इसमें डाल दीजिए टमाटर सॉस। तो देखिए क्या होता है ना, कभी कभी हमको फ्राइडे में ऐसा मन करता है यार कुछ झटपट से बनने वाली रेसिपी बनाए, तो ये देखिए झटपट से बनने वाली रेसिपी है। तो अब आप इसको मैंने सर्व किया था कुकीज़ के साथ और इडली को अब मैंने थोड़ा सा गार्निश करूँगी इसको चीज़ के साथ। बिलीव मी, आपको ये बहुत ही पसंद आने वाली रेसिपी है। होपफुली आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया है। तो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ बेल बटन प्रेस कीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।